हेलो दोस्तों, आप सबका न्यू गवर्नमेंट जॉब चैनल में स्वागत है। चलिए वीडियो को शुरू कर दें। इस वीडियो में हम देखेंगे कि CISF हेड कांस्टेबल का जो आपका एग्ज़ाम है उससे पहले आपका PST एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने वाला है। तो PST में जो है आपका क्या क्या यहाँ पर लिया जाएगा और किस तरह आपको PST देना है जिससे आप PST क्लियर कर पाएंगे, और साथ ही यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको कौन से डॉक्यूमेंट साथ लेके जाना है, ये सब हम इस वीडियो में देखेंगे। और यहाँ पर जो मैं बातें बताऊंगा उससे आपका PST 100% क्लियर हो जाएगा अगर आप उन बातों को फॉलो करेंगे। तो चलिए देख लेते हैं कि आपको PST जो है CISF के लिए किस तरह करना है जिससे आपका PST एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन क्लियर हो जाए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले जो आपका यहाँ पर CISF में PST होगा उसमें आपका सबसे पहले फिजिकल स्टैंडर्ड लिया जाएगा। इसमें देखिए, आपको यहाँ पर अगर आप मेल कैंडिडेट हैं तो आपका यहाँ पर 165 हाइट होना ज़रूरी है। इससे कम हाइट रही तो आप रिजेक्ट कर दिए जाओगे, अगर इससे ज़्यादा हाइट है तो चल जाएगा, लेकिन मिनिमम आपकी जो हाइट है यहाँ पर 165 होना ज़रूरी है। अभी जिन कैंडिडेट की यहाँ पर 165 हाइट नहीं आ रही है, 164 भी आ रही है, तो अपना वो थोड़ा सा बाल बढ़ाकर उस हाइट को क्लियर कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर 1 सेंटीमीटर का ही फर्क जो है यहाँ पर आएगा, तो अपने बाल बढ़ाकर भी वो 165 जो सेंटीमीटर है वो हाइट कर सकते हैं, लेकिन आपको यहाँ पर 165 ही हाइट इसके लिए होना ज़रूरी है। अगर बात करें हम यहाँ पे आपके SC ST कैंडिडेट की, तो देखिए उनको हाइट में रिलैक्सेशन दिया जाता है। 162 जो हाइट है SC ST कैंडिडेट को यहाँ पर जो है मिनिमम होना ज़रूरी है। उसके बाद अगर बात करें हम यहाँ पे, तो कैटेगरी वाइज गोरखा और जो ये होते हैं सब यहाँ पर मणिपुर, त्रिपुर, मिजोरम जो यहाँ पर निवास करते हैं उनको यहाँ पर 162 ही हाइट जो है यहाँ पर लगेगी। तो यहाँ पर आप हाइट का समझ गए होंगे। तो इसके बाद फीमेल के लिए देख लेते हैं हाइट। तो देखिए, फीमेल के लिए जो हाइट है जनरल एंड OBC के लिए यहाँ पर 155 जो है हाइट यहाँ पर फीमेल के लिए चाहिए, और अगर SC ST से बिलोंग करते हैं आप फीमेल तो 150 जो है यहाँ पर फीमेल के लिए हाइट लगेगी। और साथ ही यहाँ पर गोरखा, मिजोरम, त्रिपुरा, आसाम से अगर आप बिलोंग करते हैं तो 150 हाइट आपको यहाँ पर चाहिए। तो देखिए, यहाँ पर अगर बात करें हम मेल कैंडिडेट, तो आपका जो यहाँ पर चेस है वो अनएक्सपेंडेड 77 सेंटीमीटर होना ज़रूरी है, मतलब बिना फुलाए जो है आपका यहाँ पर चेस्ट, मतलब अभी आप जैसे नॉर्मल रहते हैं वैसा नॉर्मल आपका यहाँ पर 77 जो है उस सेंटीमीटर चेस आना ज़रूरी है, और उसके बाद उसको एक्सपेंड करके फुला के उसका 85 होना ज़रूरी है। तो देखिए यहाँ पर जो है इसका सॉल्यूशन मैं आपको बताता हूँ। अगर आपका 77 यहाँ पर नहीं आता, अगर 77 आता है लेकिन यहाँ पर फुलाने के बाद 82 नहीं आता, तो अभी से आप जो है यहाँ पर पुशअप एंड पुलअप्स शुरू कर दें, जिससे आपकी चेस्ट जो है यहाँ पर लगभग जो है इन्होंने जितनी मांगी है उतनी आ जाएगी। तो अभी से आप पुशअप एंड पुलअप्स जो है स्टार्ट कर दें। जब भी इसका आपका PST होगा तब तक आपकी, आज से अगर आप करोगे तो आपकी जो है 77 से 82 आपकी जो है चेस आ जाएगी। तो इसके लिए ये दो सॉल्यूशन बहुत बढ़िया है जिससे आपको जो है आपको इफेक्ट देखने को मिलेगा। तो अभी से शुरू कर दें। अगर बात करें हम यहाँ पे SC ST कैंडिडेट की, तो 76 जो है यहाँ पर अनएक्सपेंडेड यहाँ पर SC ST के लिए चाहिए, और एक्सपेंड करके यहाँ पर 81 उनकी होना ज़रूरी है। तो वो भी इसी तरह अगर आपकी नहीं आती तो इसको कीजिए, क्योंकि यहाँ पर देखिए जो है सबसे ज़्यादा कैंडिडेट यहाँ पर ही रिजेक्ट किए जाते हैं, क्योंकि चेस जो है ये बहुत से कैंडिडेट की यहाँ पर एक्सपेंड करके 82 या 81 नहीं होती, इसी वजह से इसमें बहुत से कैंडिडेट रिजेक्ट हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको एक चांस दिया जाता है अगर आपकी जो है चेस नहीं आती तो देखिए यहाँ पर आपको पुशअप एंड पुलअप्स करने को बोलेंगे, उससे अगर नहीं होता तो आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। लेकिन इससे पहले अच्छा है कि आप पहले से ही अपनी जो है चेस बना के रखें, जिससे आप PST आराम से क्लियर कर पाए। तो आपको ध्यान देना है आपके चेस मेजरमेंट पे, जिससे आपका ये क्लियर हो जाए, क्योंकि यहाँ पर बहुत से कैंडिडेट
रिजेक्ट करे जाते हैं, तो ये थोड़ा सा आप ध्यान रख सकते हैं। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है आपका यहाँ पर वेट। तो देखिए वेट जो है आपका यहाँ पर अगर 165 आपकी जो है हाइट आती है, तो आपका मिनिमम वेट 15 kg होना ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पर 15 kg ही जो है आपका वेट होना ज़रूरी है। अगर इससे नीचे है तो आप अभी से ट्राई करें कि आपका जो है 50 kg वेट हो जाए, क्योंकि यहाँ पर 50 kg है, इससे कम वाले वेट कैंडिडेट नहीं लिए जाएंगे। तो अभी से अपने वेट पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए और अपनी डाइट जो है अच्छे से करें, केले वेले खाए, जिससे आपकी हाइट जो है मतलब आपकी जो वेट है वो थोड़ा सा ग्रो करे। तो यहाँ पर आपका 50 kg होना ज़रूरी है, इससे ऊपर रहा तो चलेगा लेकिन इससे नीचे नहीं चाहिए। तो 50 kg आपको यहाँ पर मिनिमम चाहिए। और जो फीमेल कैटेगरी है उनका यहाँ पर 45 होना बहुत ही ज़रूरी है, इससे थोड़ा सा ऊपर भी रहा या इससे थोड़ा सा कम रहा तो नहीं चलेगा, लेकिन इससे कितना भी ऊपर रहा तो चल जाएगा। लेकिन यहाँ पर आपको अपने वेट पर भी ध्यान देना है, जिससे आपका जो है PST क्लियर हो जाए और आपको जो है इसमें जॉब लग जाए। तो चलिए देख लेते हैं आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के वक्त कौन से डॉक्यूमेंट जो है वो ले जाने हैं। अगर आपको इससे कोई भी क्यूरी हो तो आप नीचे कमेंट कर दीजिए, मैं उसके लिए आपको जो है सॉल्यूशन बता दूंगा और आपको उसका रिप्लाई भी मिल जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं आपका जो है यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको कौन से डॉक्यूमेंट लेके जाना है। तो देखिए आपको सबसे पहले जो डॉक्यूमेंट लेके जाना है वो 10th की मार्कशीट और आपका 10th का जो सर्टिफिकेट है, ये दोनों आपको लेके जाना है। क्योंकि देखिए इस पे जो आपकी यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ रहती है, वो डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर वो चेक करते हैं। तो इसके लिए आपको यहाँ पर 10th की मार्कशीट और 10th का जो सर्टिफिकेट है आपका वो लेके जाना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, नहीं तो आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ये डॉक्यूमेंट आपको ज़रूर से लेके जाना है। इसके बाद जो है आपको नेक्स्ट डॉक्यूमेंट 12th मार्कशीट एंड 12th सर्टिफिकेट, ये भी आपको ले जाना ज़रूरी है, क्योंकि इसी से जो है आपकी जॉब लगेगी, तो इसको भी आपको लेके जाना है, ये भी आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, तो इसको भी आप ज़रूर से लेके जाएं। अगर बात करें हम आपकी 10th एंड 12th की लिविंग, तो देखिए अगर आपके पास 10th की लिविंग है या 12th की लिविंग है तो आप ये भी लेके जा सकते हैं। अगर नहीं है तो आपके मैं सामने बताऊंगा आपको क्या लेके जाना है इसके अलावा। तो देखिए अगर है तो ज़रूर से लेके जाएं, वरना इसके जो बावजूद है दूसरा कौन सा डॉक्यूमेंट आपको लेके जाना है इसके अलावा, तो वो आपको सामने वीडियो में पता ही चल जाएगा। तो देखिए यहाँ पर अभी नेक्स्ट जो डॉक्यूमेंट है आपको, तो देखिए आपका अगर यहाँ पर एडमिशन है तो आपको कॉलेज एडमिशन अगर है आपका, तो यहाँ पर आपको आइडेंटिफिकेशन कार्ड मिलता है जो कि कॉलेज का ID प्रूफ होता है, वो लेके जाना है, जिससे आपको यहाँ पर लिविंग सर्टिफिकेट नहीं लगेगा, या फिर कॉलेज से जो बोनाफाइड मिलता है वो आपको इसके बदले लेके जाना है। तो ये भी डॉक्यूमेंट आप स्टार मार्क कर ले, क्योंकि ये डॉक्यूमेंट सभी आपको जो है वो दिखाने हैं PST में, और साथ ही ये ओरिजिनल लेके जाने हैं सभी डॉक्यूमेंट, और इनके साथ आपको इनकी जो है जेरोक्स कॉपी भी सभी की लेके जाना है। और साथ ही यहाँ पर ध्यान रखिए आपको 4 जो है आपके जो फोटो है वो भी आपको यहाँ पर लेके जाना है, जो कि आपने फॉर्म में अपलोड किए थे, तो उनकी 4 कॉपीज ऑफ फोटोज वो भी आपको साथ लेके जाना है। तो चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट। देखिए यहाँ पर आपको कास्ट सर्टिफिकेट भी लेके जाना है। तो देखिए कास्ट सर्टिफिकेट में आपको स्टेट वाली कास्ट जो है वो नहीं लेके जाना है, आपको अलाउड नहीं है स्टेट वाली कास्ट, क्योंकि सेंट्रल की जॉब है, तो ओनली यहाँ पर जो है आपकी सेंट्रल की कास्ट लगेगी। अगर आप यहाँ पर स्टेट वाली कास्ट लेके जाते हो तो उन्होंने चांस दिया तो कोई बात नहीं होगी, अगर लेकिन उन्होंने चांस नहीं दिया तो आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा, इसलिए आप सेंट्रल कास्ट लेकर जाए। और देखिए अगर आपके पास सेंट्रल कास्ट नहीं है तो आप जहाँ से अपने स्टेट कास्ट बनवाई थी वहाँ जाकर आप अपनी सेंट्रल कास्ट बनवा सकते हैं, क्योंकि अभी जो है PST के लिए बहुत सा टाइम है, उतने टाइम में आपकी सेंट्रल कास्ट जो है बनकर आ जाएगी। तो आप ज़रूर से सेंट्रल कास्ट ही लेके जाए, क्योंकि इसमें भी बहुत से कैंडिडेट रिजेक्ट होते हैं। तो याद रखिए सबसे मेन बात आपको सेंट्रल कास्ट जो है वो लेके जानी है। देखिए अगर आप नॉन क्रिमिनल
कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको नॉन क्रीमिलेयर जो सर्टिफिकेट है इसको भी लेके जाना है। ये भी इम्पोर्टेंट जो है डॉक्यूमेंट है आपका, तो इसको भी ज़रूर से लेके जाए PST में। और सबसे मेन डॉक्यूमेंट यहाँ पर जो है वो आपका डोमिशियल है, इसको भी आप स्टार मार्क कर ले, इसको भी आपको ज़रूर से लेके जाना है। डोमिशियल सर्टिफिकेट जहाँ का आपका मूल निवास प्रमाण पत्र होता है, ये जहाँ पर आप निवास करते हैं उसका ये प्रमाण पत्र होता है, तो इसको भी ज़रूर से लेके जाना है। याद नहीं हो तो आप वीडियो को सेव करके रखिए या इन सभी डॉक्यूमेंट को लिख ले, क्योंकि ये सभी डॉक्यूमेंट आपको जॉब दिला सकते हैं, तो इनको ज़रूर से लेके जाए। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट। अगर आप कहीं पे जॉब कर रहे हैं तो जो सर्विस मैन होंगे उनको यहाँ पर NOC सर्टिफिकेट लेके जाना है, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, ये आपके लिए बहुत ही मायने रखता है, तो इसको भी ज़रूर से लेके जाए। और अगर आप यहाँ पर स्पोर्ट्स पर्सन हो तो आपके पास स्टेट, नेशनल, इंटरनेशनल जो भी सर्टिफिकेट हो इसको ज़रूर से लेके जाए, क्योंकि इससे आपको जो है बोनस मार्क्स मिलेंगे। तो अगर आप स्पोर्ट पर्सन हैं तो अपनी स्टेट, नेशनल, इंटरनेशनल जो भी आपने जो सर्टिफिकेट है वो लिया है स्टेट में, नेशनल में, इंटरनेशनल में, तो उसको ज़रूर से लेके जाए, इससे भी आपको जो है आपकी CSF भर्ती में आपको इसका बेनिफिट मिलेगा। और अगर आप एक सर्विस मैन हैं तो आप यहाँ पर डिस्चार्ज सर्टिफिकेट ज़रूर से लेके जाए, ये आपको आपकी यूनिट में मिलेगा, तो ये सर्टिफिकेट आप ज़रूर से लेके जाए। तो वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।